वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपकी अपनी चित्रा और आज कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ मैं आपसे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना राशन, जी हाँ, ग्रॉसरी शॉपिंग। सो आप लोगों ने मुझसे कुछ कहा था कि कैसे हम सेविंग कर सकते हैं ये प्लीज़ बताइएगा, तो वो वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी। ओवरऑल आप कैसे सेविंग कर सकते हो, बट आज मैं आपको राशन से रिलेटेड बता रही हूँ कि आप राशन में कैसे सेविंग कर सकते हो। तो आज मैं आपको अपना पूरा राशन दिखाने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे इस राशन को 2 दिन हो चुके हैं आए हुए, 2 से 3 दिन। मैंने आपको ब्लॉग में भी दिखाया था और 2-3 दिन मैंने इनको बिल्कुल नहीं छुआ है। एक बार चेक जरूर किया था, चेक करके मैंने हैंड वॉश कर ली थी अच्छे से 30 सेकंड तक, और उसके बाद अब छू रही हूँ और अभी भी हैंड वॉश करूँगी। तो आप भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है? तो अच्छे से इनको धोइए और जो धुल सकते हैं गीले कपड़े से साफ़ कीजिए, या जैसे भी आप कर सकते हैं वैसे कीजिए और हाथ ज़रूर धोइए। चलिए, तो आज का जो राशन है, इस महीने का जो राशन है वो मेरा टोटल आया है, बताती हूँ आपको, 1500 रुपये समथिंग आया है। ये देख सकते हो आप, ये लिस्ट है हमारी इस महीने की और इसका प्राइस आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको 1539। और इसमें चावल नहीं लिखे हुए हैं, बस चावल और आप ऐड कर दीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 1600 तक का जाएगा, 1600 कम ही होगा मतलब। तो इस बार हमारे आए 31 आइटम्स और वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, रेट भी साथ में बताऊंगी, जिससे आप खुद कैलकुलेट करके बता सकते हो, टोटल भी कर सकते हो वीडियो को देखते देखते कि मैं सच बोलती हूँ या झूठ बोलती हूँ, तो आप चेक कर सकते हो। और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, डेट डालती हूँ यहाँ पर और लिस्ट कैसे बनाए वो बता रही हूँ। जो लोग नए हैं, नई नई शादी हुई है, राशन बनाना पड़ रहा है, लिस्ट बनानी पड़ रही है, नहीं आता है। देखिए मेरी भी जब शादी हुई थी मुझे भी नहीं आता था, तो धीरे धीरे करके सब आ जाता है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से लिस्ट बनाइए और लिखिए जो जो आइटम लाने हैं, इधर आइटम्स लिखिए, साथ में जो है क्वांटिटी लिखिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको, और इधर जो है जो दुकान वाला है उससे रेट लिखवा लीजिए। तो इसी तरीके से है, देखिए तो इसी तरीके से है, और ये नंबरिंग जो है 33 है, बट इसमें से 2 मैंने काट दिए थे तो इसलिए 31 हो गए, और एक चावल और हैं तो 32 आइटम्स हो गए टोटल। तो अभी जो है स्टार्ट करती हूँ मैं सामान दिखाना। देखिए 2 हैं, मैं आपको, बहुत भारी हैं तो इस तरीके के कट्टे में लाते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ मेरा मंथली की जो लिस्ट है, पूरे साल की लिस्ट है, मैं संभाल के रखती हूँ कि देख लेती हूँ कि जैसे इस महीने, ज़रूरी तो नहीं है इस महीने जो सामान ख़त्म हुआ है वही पिछले महीने भी आपका सामान ख़त्म हुआ होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस लिस्ट में से देख लेती हूँ भाई पिछले महीने कौन कौन सी लिस्ट बनी थी, इसमें से चेक करती जाती हूँ अपनी किचन में क्या क्या ख़त्म हो गया है, फिर इसमें जो कुछ आइटम नहीं होते हैं वो पीछे की लिस्ट में देखती हूँ, उससे फिर पीछे की लिस्ट में देखती हूँ। इस तरीके से टोटल सारा सामान चेक हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ किचन में देख के सारे डब्बों को एक एक करके चेक नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम क्वांटिटी देख सकते हैं कि हमारी कितनी बची हुई है और हमें कितना मंगाना है। तो ट्रांसपेरेंट डब्बे रखिए किचन में, जैसे कि आपको चीज़ भी दिखाई दे जाए कि भाई उसमें कितनी है, वरना खोल खोल के आप देखोगे बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे हमें पता होता है, हम यूज़ करते हैं किचन का काम करते हैं तो हमें पता होता है कितना बच गया, बट लिस्ट बनाते हुए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि जो मंगवाना है ना अभी मंगवा लो, ये बीच में मत बोलना कि अभी ये ले आओ अभी वो ले आओ, तो ये सब अच्छा नहीं लगता। और आजकल तो इतना काम है, बाहर कम ही निकलिए तो एक ही बार में सारा सामान ले आइए। तो देखिए ये है सूजी, तो मैं सारा सामान निकाल लेती हूँ एक एक करके और आपको रेट बताती रहती हूँ। तो सूजी का जो रेट है वो है भाई, सूजी आइए 1 किलो 35 रुपीज़ की। और देखिए ज़रूरी नहीं है पैकेट वाली चीज़ें ही अच्छी हों, अगर आपका शॉपकीपर अच्छा है और वो ऐसी खुली चीज़ें भी अच्छी रखता है तो आप वो भी ले सकते हो, रेट में बहुत फर्क होता है, वो पैकिंग के पैसे ले लेते हैं। तो ये है दाल चने की, आप चने की दाल में कहीं जगह बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है, तो 1 किलो दाल दी है हमें 75 रुपीज़ की। और ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं वो भी देख कर किया कीजिए,
सस्ता कई जगह पे चेक करके कीजिए और शॉपकीपर से भी आप चेक करके कीजिए कि कौन सही रेट दे रहा है। ऐसे ही दो दुकानों पे ज़रूर कंफर्म कीजिए, दो तीन दुकानों पे। यह है मूंग की दाल 1 किलो जो कि है छिलका वाली दाल 110 रुपये की। फिर है पोहा, तो पोहा यहाँ पे है भाई, पोहा 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 एक पैकेट है 35 रुपीज का। और तो ये वाली मैं पैकेट के लिए, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो जो चीज़ पैकेट में सही मिल रही है तो वो पैकेट की लीजिए, जो लूज़ अच्छी मिल रही है तो वो लूज़ लीजिए। ये इस तरीके के 5-6 बिस्किट्स हैं, 5-5 10-10 वाले। मूंगफली है कच्ची मूंगफली, ये है 40 रुपीज की 250 ग्राम। टाटा नमक है जो कि है टाटा नमक 20 रुपीज का, ये वही पैकेट आ रहे हैं बिस्किट के। ये गोदरेज का सोप, देखिए आप ब्रीज और लक्स सोप सारे वही काम करते हैं और इसमें बहुत स्मेल बहुत अच्छी होती है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। अलग अलग उसमें है, ये चंदन में भी है, ये वाला कोकोनट नीम है, तो ये सस्ता पड़ता है थोड़ा, तो हम ये वाला ले लेते हैं। ये पड़ता है 70 रुपये का और इसमें आते हैं आपके 5-4 के साथ एक फ्री आता है। तो मैं ऐसा नहीं है कि इतने बजट में कोई ऐसी आई चीज़ें आ रही हैं, तो अच्छी अच्छी चीज़ें भी आती है। देखिए पीनट बटर है, तो मैं देखिए कम ही क्वांटिटी रखती हूँ, ये नहीं कि एक बार में हम इतना बड़ा डब्बा ले आए, तो जितनी ज़रूरत है उतना सामान खरीदिए, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है आपके बजट पे। तो ये आया है पीनट बटर, जो आया है वो है कितने का यार, 65 रुपीज़ का, ये नहीं 67 रुपीज़ का है और इसका MRP है 69 रुपीज़। डॉक्टर ओटकर का है ये। कैंडल्स चाहिए होती हैं कभी कभी, कैंडल्स कितने की आई हैं 20 रुपीज़ की। चने काले चने 35 रुपीज़ की आधा किलो। सोयाबीन की बड़ी मोटी वाली है ये, और ये आई हैं सोयाबीन सोयाबीन 25 रुपीज़ की 250 ग्राम। मूंग धुली हुई है, ये कितने की है मूंग धुली 58 रुपीज़ की, आधा किलो है ये। ये है नमकीन, तो नमकीन आई है आपकी, नमकीन आई है 30 रुपीज़ की है ये। तो ये ज़रूरी नहीं आप हल्दीराम और बीकानेर की ही लें, वो बहुत महंगी आती हैं, ये भी अच्छी होती हैं। इस बार ऐसे दिए इन्होंने ट्रांसपेरेंट में, अदरवाइज ये हम कौन सी कंपनी की लेते हैं मुझे भी नाम ध्यान नहीं आ रहा, उस कंपनी की लेते हैं। तो ये है मेयोनीज डॉक्टर ओटकर की है, 35 लिखा है, 35 की दी है ये। अब ये है पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न का पैकेट दिया है, पॉपकॉर्न 60 रुपीज के 2 पैकेट आए हैं, मतलब 130 रुपीज का। और ये 4 पैकेट मंगाया है लिप्पी के, तो आप 40 रुपये के लगा लो। ये है चंदन का टीका, क्योंकि सावन के फास्ट चल रहे हैं तो चंदन का टीका चाहिए था मुझे, शिव जी का सोमवार के मैं कर रही हूँ तो मुझे ये वाला चाहिए था। तो ये कितने का आया है, 28 रुपीज का है। चाय पत्ती अग्नि 50 रुपीज लिखा है, ये यूज़ करती हूँ मैं। ताजमहल और रेड लेबल ज़रूरी नहीं है, महंगी भी आती हैं, देखिए काम वही करती हैं, बस ब्रांड का फ़र्क हो जाता है, उसका नाम ज़्यादा है इसका थोड़ा कम है, तो काम वही करती हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। तो ये चाय पत्ती आई है आपकी 45 रुपीज़ की दी है, 50 लिखा था 45 की दी है। ये स्क्रबर दिए हैं, तो ये हैं स्क्रबर दिए थे कितने के, 36 रुपीज़ के, बड़े महंगे हो गए हैं। तो ये सेंधा नमक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फास्ट चल रहे हैं सोमवार के, तो ये भी मैंने मंगाया था, ये है 10 रुपये का।
ये वही बिस्किट्स आ रहे हैं 5 बिस्किट में, ये 2 पैकेट के पॉपकॉर्न के, दूसरा बंदा ये, और अब ये जी दलिया, दलिया दलिया आया है ये, ₹25 का दलिया आया है, आधा किलो, और लिखा कितना है इस पे, 33 MRP है इस पे, ये वही हिप्पी, और ये युग का जॉनसन में भी यूज नहीं करती हूँ, पतंजलि का यूज करती हूँ, जॉनसन में भी देखिए 3 साल का हो चुका है युग, और जरूरी नहीं है आप जॉनसन से ही न लाएं, ₹100 तक का आता है वो, और ये जो है बहुत अच्छा है पतंजलि का, एलोवेरा वाला है, और ये आपका आ जाता है ₹28 का, बचत हुई ना, हो रही है ना बचत। शैम्पू में आप पाउच यूज कीजिए, बड़े बड़े वो मत यूज कीजिए बॉटल्स, उसमें हमारा ज्यादा निकल जाता है, और पाउच से क्या हमें क्वांटिटी पता होती है भाई हमारे बालों में इतना ही लगना है, तो इसलिए शैम्पू यूज मत कीजिए। ये है बेसन आधा किलो, और बेसन कितने का आया था, ₹40 का, ₹80 किलो है। ये है विम, विम बार की, जरूरी नहीं आप वो यूज करो, डिश वॉश लिक्विड यूज करो, डिश वॉश लिक्विड, तो आप विम का ऐसे टिकिया भी यूज कर सकते हो। और देखिए इस बार डिटर्जेंट मैंने नहीं मंगाया है, अब दूसरा पैकेट खोले इसमें क्या है, इसमें बिस्किट्स हैं पार्ले जी, बड़ा पैकेट लिया है क्योंकि बच्चे बार बार मांगते हैं बिस्किट, और क्रीम वाले अलग मंगाती हूँ मैं इसके, बिस्किट आए हैं ₹70 का आया है ये, और ये रस्क के 2 पैकेट हैं जो कि आए हैं ₹50 के, और ये है भाई 2 पैकेट तेल, और ये कितने का आया है, रिफाइंड ऑयल ₹200 का आया है, ₹100 का, और सरसों का तेल रखा हुआ था तो मैंने वो नहीं मंगाया, तो क्या, और आप एक्स्ट्रा मंगा के अभी से क्या करोगे, अगले महीने जरूरत है तो उतना ही, इस महीने देखिए आप देखिए 1 तारीख को आ रहा है राशन या 10 तारीख को आ रहा है, क्योंकि 10 तारीख को आ रहा है तो 10 दिन तो आपके निकल गए, तो आपको ये देखना है, अगर 1 तारीख से ला रहे हो राशन तो 30 दिन का आपको देखना है, तो अभी मेरे को रखा हुआ था सरसों का तेल, तो वो मैंने नहीं मंगाया है, डिटर्जेंट भी रखा था तो वो भी नहीं मंगाया, अब अगले महीने मंगाऊंगी मैं। तो अब इसमें जो है सिर्फ चावल है, और चावल वो मैंने आपको बताया वो थे आई थिंक उसका इस राशन में नहीं है, वो अलग हम किसी और से लाते हैं चक्की वाले से, और वो आई थिंक देते हैं ₹45 किलो देते हैं, तो आप लगा लीजिए कितने का होगा वो, आप टोटल कर सकते हो। ये आया है मेरा इस बार का बजट, और इस तरीके से मैं लिस्ट बनाती हूँ, आप भी लिस्ट ज़रूर बनाइए, तो आप देख सकते हो कितना सारा सामान हो गया है, कितना सारा सामान हो गया है, देख रहे हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ग्रुप्स में, और अपनी सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे भी आप शेयर कर सकते हो, इंस्टा पे शेयर कर सकते हो, और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है इंस्टाग्राम का, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, मैसेज भी कर सकते हो। तो चलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन साथ में प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें, और मैं इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और ब्लॉग्स डेली लाती हूँ, सुबह में मेरी वीडियोस आती हैं। चलिए मैं मिलती हूँ कल एक नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।